सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल के पहले Q&A वीडियो का, यानी कि क्वेश्चन आंसर वीडियो का। और ये इस तरीका का वीडियो इस चैनल पे पहली बार हो रहा है और मैं हूँ आपका रिपोर्टर अर्जुन सिंह। और आज सारे सवाल मैं दागने जा रहा हूँ किस पर? इन पर, प्रमिला स्कूबुक यानी कि प्रमिला सिंह पर। तो पहचान लीजिए, ये है वो बंदा जो रिपोर्टिंग कर रहा है। देखिए आप, कभी दाढ़ी नहीं बनाता। हेलो, ये कोई वोट थोड़ी मांग रहा है, Q&A वीडियो है। मैं सब्सक्राइब मांग रही हूँ, वोट नहीं। रिपोर्टिंग करने से पहले दाढ़ी तो बना लेता। दाढ़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं, काफी इंटेंस क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसलिए इस इंटेंस Q&A के लिए इंटेंस दाढ़ी की जरूरत है। बहुत खून पसीने से सींचा है मैंने इसको, ऐसे ही नहीं उग जाती है दाढ़ी। अब आप सवालों के लिए तैयार हो जाइए और आप सब भी तैयार हो जाइए। सवाल मैं पूछना शुरू कर रहा हूँ इन 1 2 3। पहला सवाल, जो पहला सवाल है वो है कि जिस प्लेटफॉर्म पे अभी जहाँ पे हम ये वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जहाँ पे ये सभी आपके जो दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं या फिर PCB फैमिली मेंबर हैं, जहाँ पे ये लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो इस YouTube के बारे में आपके क्या विचार है? मतलब हम सबको बताइए कि आप पर्सनली YouTube प्लेटफॉर्म के बारे में क्या सोचते हो। YouTube, पहले मैं इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी, फिर जब मेरे बेटे अर्जुन ने इससे मुझे अवगत कराया तो अब मैं ऐसा मानती हूँ कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके लोग अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं और बहुत स्कोप है इसमें। हर किसी के अंदर टैलेंट है तो वो अपना टैलेंट है दिखा सकता है, उसे कोई ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी इसको अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं, देश विदेश तक सब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूं मैं खुद, तो मैं भी एक हाउसवाइफ हूं और ना मैंने होम साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद अपने घर गृहस्थी में अपने काम में अपना समय दिया, लेकिन कभी मैं सोचती थी कि मैं भी कुछ ना जॉब करती या कुछ करती। मुझे खाना बनाने का भी शौक था और भी कई शौक थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्रतिभा को कैसे दिखाती। लेकिन जो ये YouTube का एक मुझे माध्यम मिला, इसके माध्यम से मैंने अपनी कुकिंग की प्रतिभा को सब तक पहुंचाया और सब लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे बेसिकली आपको कहीं किसी ऑडिशन लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। अगर आप में टैलेंट है तो आपको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करेगा, तो ये सबके लिए है। अगर आप कुछ यहाँ पे करना चाहते हैं तो आज से नहीं तो कल से, कभी भी जब मर्जी हो, जब आप चैनल स्टार्ट करिए। और अगर आप उस चीज के बारे में पैशनेट है तो फिर शेयर करना स्टार्ट करिए। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन आपसे है वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आप कुकिंग नहीं कर रही होती, यानी कि अगर आप खाना नहीं बना रही होती, तो अभी क्या कर रही होती? मैं खाना, वैसे तो खाना तो हर समय बना ही रही होती, लेकिन खाने के साथ साथ और भी कई चीजें हैं। तो हो सकता है मैं राजनीति में ज्वाइन करती, मैं जन कल्याण यानी कि समाज कल्याण भी, उसके प्रति भी मेरा बहुत रुझान है, तो मैं वो भी कर सकती थी। मुझे बहुत ही ना होता है कि लोगों की सहायता करूं या किसी भी रूप में मैं हेल्प करूं लोगों की, किसी संस्था से जुड़ूं, तो इस तरह से भी मेरा विचार है, तो मैं ये सब कार्य भी कर रही होती। काफी अच्छा जवाब, मतलब बेसिकली अगर आप राजनीति में आ जाते, मतलब मेरे को ये, मतलब कुछ ये वाला आंसर एक्सपेक्टेड था नहीं। हमने ये जितने भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या हमने कुछ भी पहले से मेरे पास ये क्वेश्चन लिखे हुए, मैं अभी ऑन द स्पॉट पूछ रहा हूँ और ये मैं ऑन द स्पॉट ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें कुछ एडिट नहीं करने वाला हूँ मैं। और मुझे राजनीति, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मम्मी राजनीति भूलने वाली है। वो असल में कई बार मेरे को ऐसा लगता है मुझे कि जैसे कई ऐसी चीजें होती है समाज में जिसको सुधारने की बहुत जरूरत होती है, कई बार मनी को वेस्ट करते हैं लोग, उससे हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, तो वो सब मैं सोच के मेरे को लगता है कि यदि मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं इस क्षेत्र में लगाती है, इस तरह से मेरा विचार है। कुल मिलाते हैं कुछ, मतलब कुल मिला के आप सोशल सर्विस के अंदर? जी, ये मेरा विचार है कि मैं करती कुछ ना कुछ हेल्प करती लोगों की किसी तरह भी, तो ये भी मैं कर सकती थी। अभी फिलहाल तो मुझे समय ही नहीं मिलता है। तो मुझे तो आपका ये रिप्लाई बिल्कुल, आशा करता हूँ शायद आप लोगों को भी ये सही लगा होगा, कहीं ना कहीं जितना हमसे बन पड़े उतना हमको सोसाइटी के साथ शेयर करना चाहिए। तो ओके, अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है, अब ये तीसरा क्वेश्चन मैंने उठाया कमेंट बॉक्स के अंदर से। अब ये पता नहीं मतलब क्यों पूछा लोगों ने और
किस वजह से पूछा लोगों ने, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछने वाला हूँ और आपको आज कैमरे पे इसका जवाब देना पड़ेगा। आई होप कि जिसने पूछा वो मतलब सब्सक्राइबर या फैमिली मेंबर वो इस वीडियो को देख रहा होगा, क्योंकि अब उसका जवाब मिलने वाला है। अब आप सोच भी नहीं सकते मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। अब आप हमें ये बताइए कि दाल बाटी खाते कैसे हैं, कैसे खाते हैं उसे? ये रियल में सवाल है ये? हाँ, ये एक क्वेश्चन आया था कि भाई किसी ने पूछा था दाल बाटी को कैसे खाया था। आपको याद होगा तो बहुत पहले मैंने, और उसके बाद ये काफी बार सवाल आ चुका है। तो भाई दाल बाटी को थाली में पुरसिए और उसको तोड़िए। कई लोग बाटी को चूर के और दाल डाल के खा लेते हैं उसके ऊपर, और कई लोग टुकड़ा तोड़ के और दाल में डुबो के खाते हैं, कई चम्मच से खाते हैं, जैसे आपका मन करे। मैं तो चूर के खाता हूँ उसको। जिस तरह से आपको स्वादिष्ट लगे, कम घी में लगे, ज्यादा घी में लगे तो घी डालिए उसके ऊपर और मजे से बाटी का लुत्फ उठाइए। नहीं नहीं, लेकिन आप बताइए हमको कि बाटी को हम राइट साइड से तोड़े, लेफ्ट साइड से तोड़े या बीच में से तोड़ दें उसे? आप बाटी को कहीं से भी तोड़े, स्वाद तो वही आएगा। बाटी तो बाटी रही, बाटी तो बाटी है और दाल के साथ क्या कहने। तो आई होप जिसने भी ये सवाल काफी लोगों ने पूछा है तो उनको आज ये आंसर मिल गया होगा। मैं पहले ही कह रहा था बहुत इंटेंस क्यू एन ए, ये डैडी मैंने यू ही नहीं बढ़ाई है, इस क्यू एन ए के लिए खास बढ़ा रहा हूँ, सप्ताह भर हो गया है। गर्मी लग रही है, ए सी दोनों से अंदर हवा ही नहीं आ रही, बहुत पसीना आ गया अभी मेरे तो पूरे यहाँ पे बारे नहरे हो जाएंगे। तो अगला सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जैसा अभी आप क्यू एन ए देख रहे हैं, हम आने वाले टाइम में इसी तरीके का क्यू एन ए लाइव करने वाले हैं, लेकिन वो इस चैनल पे नहीं, पीसीबी व्लॉग्स के अंदर हम करने वाले हैं। उसका जो चैनल का लिंक है, जो हमारा नया चैनल, जिसको नहीं पता हमने एक नया चैनल स्टार्ट कर दिया है, व्लॉग चैनल है, तो हमारे जो दूसरे वीडियोज होते हैं वो उस चैनल पे आते हैं, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रमोशन कर रहा था दूसरे चैनल का। हाँ, तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपको YouTube के ऊपर कौन सा आइकन पसंद है, येलो या ग्रीन? कौन बंदा होगा जो येलो आइकन पसंद करेगा? अब इस सवाल को मुझे तो ग्रीन आइकन पसंद है, येलो आइकन तो अब क्या है। अब इस सवाल को एक यूट्यूबर ही मतलब समझ सकता है कि ये मैंने क्या पूछा और इसका क्या आंसर मिला है, कि जो येलो आइकन और ग्रीन आइकन में से क्या पसंद है आपने। ग्रीन का हर यूट्यूबर का फेवरेट आइकन है, ग्रीन आइकन। तो मेरा अगला सवाल है कि जो लोग आपको देख के या किसी भी यूट्यूबर को देख के, या फिर जैसे जैसे अब इंडिया के अंदर भी अब धीरे धीरे यूट्यूब बहुत ग्रो कर चुका है, तो अगर आप लोगों को देख के किसी से इंस्पायर होकर अगर कोई यूट्यूब चैनल अपना खोलता है, नया इंसान, नया बंदा या जो भी, तो उसको आप क्या राय दोगे? उसको मैं हमेशा यही राय दूंगी कि थोड़ा सा सब्र करना चाहिए पहले, कि सब्र का फल कहा जाता है कि हमेशा मीठा होता है। तो शुरुआत हम करते हैं तो हमने भी की थी, तो हमको तो भगवान की बहुत अच्छी कृपा रही कि अच्छा सा रेस्पॉन्स जल्दी मिल गया। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग बहुत वीडियो डालते हैं उनको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा वो रखे सब्र अपना, धीरे धीरे व्यूज आने चालू होंगे, लोग पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। और आप में यदि टैलेंट है, प्रतिभा है, तो आप जरूर उसमें अपना नाम कमाएंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। तो कभी भी हार मत मानना, लगे रहो, क्योंकि कंसिस्टेंट जितना रहोगे उतना एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक ना एक दिन अपने गोल तक पहुंच जाओगे। सिंपल, हार्डवर्क का कोई तोड़ नहीं है। अगला सवाल, ये इंटेंस क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं मेरी दाढ़ी की तरह। अगला सवाल है कि दाढ़ी तो भाई इसको काटनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि दाढ़ी काट लेनी चाहिए बिल्कुल, क्यों? आप अगला सवाल, आप सवालों से बचने की कोशिश मत करिए, आप रिपोर्टर को भटका रहे हैं, पत्रकारिता को मतलब आप पत्रकार को भटका रहे हैं रास्ते से। पत्रकार को भटका नहीं रही हूँ, नई राह दिखा रही हूँ कि उसको हमेशा से क्लीन शेव होके बैठना चाहिए। ये इंटेंस इंटरव्यू है, कितने सवाल देखिए आप, कितने बड़े बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। आप अगला सवाल सुनिए, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? जो मेरे पास है, जिसमें मैं रोज बैठती हूँ, फिलहाल तो मुझे वही पसंद है, और कोई बड़ी गाड़ी और नहीं आ जाएगी तो वो भी पसंद हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल मेरा ये है कि आपने ये चश्मा क्यों पहन लिया है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको पढ़ना थोड़ी सवाल। चश्मा नया बना है तो कभी तो पहनेंगे, और पढ़ना नहीं है तो क्या हुआ, पहन लिया बस, चलो उतार देते। ये वो नया वाला चश्मा है क्या? हाँ।
इस चश्मे के पीछे भी स्टोरी है। और अगर जिसको नहीं पता है तो इसका मतलब वो ब्लॉग वाले चैनल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसी समय पीसीबी ब्लॉग्स पे जाए और वहां पे एक काला चश्मा नामक एक वीडियो है उसको देख लें। इस चश्मे के पीछे भी बहुत कांड हुआ है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपको किस तरीके का खाना पसंद है? फास्ट फूड, स्लो फूड, ये फूड, वो फूड, कैसा खाना? ट्रेडिशनल फूड, किस तरीके का खाना? फास्ट फूड तो देखा जाए तो हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। बिल्कुल होता है, मैं खुद भी यही कहता हूँ। हाँ, कभी कभी शौक के तौर पे अगर खाया जाए, बच्चे पसंद करते हैं, तो आजकल बच्चे उसको ज्यादा ही कुछ पसंद करने लगे हैं, ज्यादा हर समय जब देखो जब वो फास्ट फूड खाते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके अपना ट्रेडिशनल फूड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और फायदेमंद भी होता है। हम जो घर पे बनाते हैं स्वच्छता से बनाते हैं और हर चीज को ध्यान में रख के बनाते हैं, खाना चाहिए। बाहर खाने का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कभी नहीं खाओ, कभी एंजॉय करो तो बाहर भी खा सकते हैं। लेकिन घर पे खाना बनता है शुद्धता शुद्ध तरीके से और अच्छे हम अपने हिसाब से बनाते हैं तो वो खाना ज्यादा बेटर होता है रोज खाने के लिए। हाँ, कभी कभार आप शौक के तौर से बाहर खा सकते हैं, फास्ट फूड भी कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन रोज लेना हानिकारक होता है। वैसे मुझे ट्रेडिशनल फूड ज्यादा पसंद है जो कि हम घर पे बनाते हैं। मुझे खुद को भी ट्रेडिशनल फूड भी बहुत पसंद है। यहाँ तक कि हमारी राजस्थानी जो सब्जियां हैं, कढ़ी है, गट्टे की सब्जी और कैर सांगरी की सब्जी और जो ट्रेडिशनल है वो बहुत ही अच्छी लगती है और इसे भी बेहद पसंद है। हम सब लोग पसंद करते हैं घर पे, तो वो सब्जियां मुझे बेहद पसंद। अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है और वो ये है कि आप खाने में इतना तेल क्यों डालते हो? क्यों क्यों क्यों? खाने में बहुत ज्यादा तेल मैं नहीं डालती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो राजस्थानी खाना होता है तो उसके अंदर तेल घी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, मिर्च मसाले भी होते हैं। तो आजकल तो सब स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए हैं तो वो लोग अपने हिसाब से डालते हैं। लेकिन है ना, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज ऐसी है, मिठाई है कुछ, तो उसमें थोड़ा सा तेल घी ज्यादा ही डल जाता है, डालना ही पड़ता है उसको। जैसे आप दाल बाटी है तो दाल बाटी घी के बिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से कई बार ज्यादा, बाकी तो मैं नॉर्मली आजकल थोड़ा ध्यान रखती हूँ कि भाई हाँ किसी को हर्ट ना हो कि इतना तेल वो बोल रहे हैं, तो मैं उसमें ये भी बोल देती हूँ कि तेल है, मिर्च मसाले है, सब अपने हिसाब से डाल लें। बेसिकली हमने जो बनाने का तरीका है वो सिखा दिया है, उसके बाद आप ये सब चीजें अपनी मतलब जिस हिसाब से खाते हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। मतलब सारे तरीके अलग, अब कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें वास्तव में वो चीजें बहुत ज्यादा डलती है और जिसमें नहीं डलती उसमें नहीं डाली जाती है, लेकिन अगर जिसमें डलती है अगर उसके अंदर उस चीज को कम कर दिया जाए तो वो रियल ऑथेंटिक चीज रहती ही नहीं है। तो वो जो लाइन जो चैनल के नीचे जो लिखी जाती है कि ना सिंपल इजी एंड ऑथेंटिक रेसिपी, तो वो अगर वो ऑथेंटिक ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो अगर जो रियल में कोई अगर उसे ट्राई करेगा तो वो टेस्ट ही उसको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जो जिस तरीके से जो चीज बनती है उस तरीके से बना दी जाती है। हम लोग भी रोज इतना नहीं खाते मिर्च मसाला तेल, और जैसे कोई दिखा रहे खास बनाने की रेसिपी तो थोड़ा उसमें डल ही जाता है, डलता है उसमें, तो वो डालना पड़ता है। और बाकी कई चीजें ऐसी होती है अपने हिसाब से हम उसको थोड़ा चेंज करके भी बनाते हैं। कोई रेसिपी है यदि किसी ने कुछ डाल के बनाया तो हम अपने अलग तरीके से बना लेते हैं, या कुछ कई लोग बोलते हैं आपने ऐसे क्यों बनाया या इसमें ये डलता है। तो सब लोग है, दाल बाटी को भी आप लोग कई तरीके से बना सकते हैं, कुछ बाटी के अंदर मसाला भर के बना सकते हैं कुछ भी, तो ये अपना अपना तरीका होता है एक बनाने। अब चलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंटेंस सवाल हो गया था, अब चलते हैं थोड़े से लाइट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको दो विशेष मिले तो आप क्या मांगेंगे? कोई भी दो विशेष जो आप मांगेंगे और आपकी पूरी हो जाएगी, तो वो दो विशेष अगर मिल जाती है तो आप क्या मांगेंगे, बताइए कैमरे पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले विश मेरी होगी कि मेरे मिलियंस ऑफ मिलियंस सब्सक्राइबर हो। हर यूट्यूबर के विश, वाह। और मुझे सारे जितने भी प्ले बटन है, सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम, डायमंड जो भी है वो सारे मैं ले लूं। प्लेटिनम नहीं है जो भी। अच्छा, ये तो हो गई आपकी पहली विश, अब बताइए कि दूसरी विश में आप क्या मांगेंगी? दूसरी विश में ये मांगूंगी कि दूसरे जो यूट्यूबर है जिनका सक्सेस नहीं हो रहा है चैनल, तो उन्हें भी सफलता मिले। और किसी को यदि ना किसी चीज की जरूरत है तो भगवान उसकी इच्छा को पूरी करे और सब लोग सुखी और हंसी खुशी से रहे, सारा संसार सुखमय हो जाए, बस मेरी सबसे बड़ी विश तो यही है। बहुत ही अच्छी बात है, भगवान करे आपकी दोनों विशेष पूरी हो जाए। अच्छा, लास्ट
क्वेश्चन मेरा, जिसपे कि जो टॉपिक मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा था, और इसी चैनल के ऊपर वो वीडियो भी मौजूद है जो कि हाउसवाइफ को लेकर रिलेटेड है। तो दुनिया में जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, मतलब जो घर में काम करती हैं, जो इतनी ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है, जिन्हें कोई अभी जानता नहीं है, लेकिन रोज डेली हार्डवर्क करती है अपने अपने घरों में, आप उनको अगर कुछ बोलना चाहोगे तो? हाउसवाइफ को मैं यही कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हाउसवाइफ होती है वो घर में काम करती, तो वो ऐसा सोचती है, अरे लोग उनकी तुलना करते हैं जो वर्किंग वूमन होती है उससे, जो बाहर जाके लेडीज काम करती है, अरे वो तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, वो बाहर जाके काम करती है, घर पे क्या है, ये घर का काम तो ऐसे ही हो जाता है। ये बहुत गलत धारणा है। जो सुबह से एक हाउसवाइफ उठती है, सुबह से लेके सब घर वालों की चिंता है उसको, आज मुझे पानी भरना है, आज मुझे नाश्ता तैयार करना है, टिफिन तैयार करना है, बच्चों को ये सब, तो वो सारी चिंता लेके जब वो उठती है और वो उनके कार्य करती है, तभी सारे घर के लोग खुश और सुखी रह पाते हैं, अपने काम पे समय पे जा पाते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। वो एक लेडी है जो वो सबके लिए चिंता करती है, तो सारा परिवार सुखी रहता है, और उनके लिए इतना काम करती है, वो किसी को मतलब गिनती भी नहीं आता है कि इसने सुबह से लेकर रात तक इतना काम कर दिया है। तो उसे आप छोटा ना समझे, और हाउसवाइफ है वो किसी से कम ना समझे अपने आप को, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट करती है। आप मेरा आप लोग भी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और सबसे बड़ी बात, एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, भले ही वो संडे आ जाए, हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी, किसी ऑफिसेज की छुट्टी हो जाती है, या जो भी मतलब बिजनेसेस होते हैं, कोई डे ऑफ ले लेगा, वेकेशन पे चला जाएगा। अगर ये लोग वेकेशन पे भी जाते हैं, इनको चिंता हो रही है कि इस समय घर पे क्या हो रहा होगा, पानी आ गया होगा, पानी भरना है, ये करना है, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा कि हम अगर बाहर घूमने आ गए या एक दिन बाहर भी आ गए, तो पीछे वहां पे घर पे सब कुछ सही है कि नहीं है। और इसके ऊपर मैंने एक जो वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो, यहाँ कहीं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो आप वो जाके जरूर देखना। वो वीडियो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, तो आप उसे जरूर देखना। जो लोग जॉब पे जाते हैं तो शाम को आके रेस्ट कर लेते हैं, छुट्टी के दिन रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हाउसवाइफ होती है उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। सुबह यदि संडे का दिन होगा तो ऑफिस वाले लोग हैं वो रेस्ट करेंगे, तो वो फरमाइश करेंगे आज हमारे लिए ये नई डिश बनाई जाए, या हमारे, तो वो तो बल्कि और ज्यादा कामों में लग जाती है। तो उनकी तो कोई भी है ना, छुट्टी का दिन तो कभी आता ही नहीं है उनके जीवन में, मतलब हर दिन बिजी होता है, लेकिन संडे का दिन बिजिएस्ट हो जाता है, अगले का संडे उनका बिजिएस्ट डे में, मतलब हाउसवाइफ कन्वर्ट हो जाती हूं कि कभी तो छुट्टी मिलनी चाहिए। इसलिए उनके लिए ये अच्छा रहता है कि कभी कभी आउटिंग हो, बाहर जाए, घूमे फिरे फैमिली के साथ, या कभी रेस्टोरेंट पे खाना खाए, तो वो कभी कभी चलता है उनके लिए, और वो भी हंसी खुशी से, उनको भी अच्छा लगता है। और अगर आपको कोई भी कहना कि ये तो क्या काम करते हैं, बॉस दो दिन काम बंद कर देना, सब पता पड़ जाएगा अगले को कि भाई क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर के काम जब लटक जाएंगे ना, तो बाहर के भी कुछ काम नहीं होंगे। दो दिन भी कहीं चली जाएगी गृहिणी, हाउसवाइफ है, और बीमार हो जाए अगर, मुझे पता है अभी मैं बीमार पड़ी थी तो घर कितना अस्त व्यस्त हो गया था, तो उस समय पता चलता है कि एक औरत की कितनी अहमियत होती है घर में। तो रेस्पेक्ट करो यार, जो जिनको अगर लगता है कि हाउसवाइफ का कुछ काम नहीं होता, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से आज अभी निकाल। तो इस Q&A वीडियो के अंदर यही कुछ मेरे ख्याल से 9 या 10 सवाल थे। तो अगर आपको ये Q&A वीडियो अच्छा लगा, और लाइव अगर आप चाहते हैं इस Q&A वीडियो को हम करें, तो आप PCB ब्लॉग्स चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ ऐसे दिन होने वाले हैं जहाँ पे हम वहाँ पे लाइव आएंगे, और आप हमसे सवाल पूछना। ये जो 10 क्वेश्चन थे, ये तो मेरे 10 सवाल थे, कुछ आपके थे जो कमेंट्स में से मैंने उठाए थे, उस समय लाइव में आपके क्वेश्चन पढ़ूंगा और मैं पूछने वाला हूँ। तो अगर आपको लाइव इंटरेक्शन चाहिए, तो आप उस चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। तो इस Q&A वीडियो के लिए इतना ही। आपने खमागणी कर दिया, लेकिन जो उस चैनल को देखते हैं उन्हें पता है कि मैं क्या कहता हूँ, कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। कभी नहीं, ये गलत बात है।